नमस्ते, मैं गीता खरब आपका ये कुशन कवर बनाना बताऊंगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, इससे आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। हम इस कुशन की कितनी लेंथ लेंगे, कितनी विड्थ लेंगे और बनने के बाद क्या साइजा कुशन बनेगा, वो सब हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। हम इसके लिए सेटिन का क्लॉथ यूज़ करेंगे। हमने ये येलो कलर का सेटन का क्लॉथ लिया हुआ है। अभी हम इसकी विड्थ नापते हैं। पहले हमें इसकी विड्थ नापनी है। इसकी विड्थ हो गई हमारी 21 इंच। 21 इंच हमने इसकी विड्थ रखी है। अब दूसरी साइड से हम इसकी लेंथ नापते हैं। हमारी लेंथ और विड्थ अलग अलग साइज में होगी, लेकिन बनने के बाद सेम साइज रहेगा। लेंथ हो गई हमारी 31 इंच। 31 इंच इसकी लेंथ हो गई है। अब इसको हमें साइड से 1 1 इंच में छोड़ना है। लेंथ की साइड से भी हम 1 इंच छोड़ेंगे और विड्थ की साइड से भी हम 1 इंच छोड़ेंगे। हमने निशान लगा लिया 1 1 इंच पे और निशान को मिला लेते हैं। अभी इधर से भी हम ये 1 इंच छोड़ते हैं। इन निशान को मिला लेते हैं। अभी अभी 1 1 इंच के हमें ये लाइंस लगानी है। 1 1 इंच पे, एवरी 1 इंच पे हमें निशान लगाएंगे। छोटे छोटे पार्ट में करके निशान लगाना है हमें और निशान को मिलाना है। अभी इसी तरह से छोटे छोटे पार्ट में निशान लगा के हम इसको कंप्लीट करते हैं। एक साइड के निशान हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अभी दूसरे साइड के निशान लगाना स्टार्ट करते हैं। इधर से भी हमें 1 1 इंच पे निशान लगाना है। एवरी 1 इंच पे निशान लगाएंगे, छोटे छोटे पार्ट में निशान लगाएंगे जैसे हमने पहले लगाए थे। इस तरह से अभी आगे भी हम ऐसे ही निशान लगा के इसको मिलाते हैं। हमारे ये स्क्वायर बन जाएंगे 1 बाई 1 के। अगर आपको छोटा डिज़ाइन बनाना है तो आप सेंटीमीटर में भी निशान लगा सकते हैं। 2 2 सेंटीमीटर के आप बॉक्स ऐसे बना सकते हैं। अगर सेम डिज़ाइन बनाना है तो आप सेम साइज़ में आप ये बना सकते हैं। इस तरह हम इसको कम्प्लीट करते हैं। हमने हमारे बॉक्स कम्प्लीट हो गए हैं। अभी निशान लगाना स्टार्ट करते हैं हम। हमें 1 बॉक्स का गैप करना है और हमें स्लैंटिंग लगानी है फर्स्ट वाइट लाइन में। 1 1 लाइन का गैप छोड़ना है और 1 1 फिर नेक्स्ट में हमें स्लैंटिंग निशान लगाना। पूरी लाइन हमारी ऐसी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट हमारी 2 लाइन का गैप देना है, फिर हमें स्लैंटिंग लगानी, सामने सामने से लगानी है। 1 का गैप देना है, फिर स्लैंटिंग, 1 का गैप देना, फिर स्लैंटिंग, फिर 1 का गैप, फिर स्लैंटिंग। इस तरह से हमें ये, फिर नेक्स्ट हमें फिर 2 लाइन का गैप देना है, फिर हमें ये स्लैंटिंग निशान लगाने हैं। 1 का गैप देना, फिर स्लैंटिंग लगानी है। इस तरह से हमें ये फिर 2 बॉक्स हमें छोड़ना है, फिर उसके नेक्स्ट में ऐसे ही करना है। इसी तरह से हमें ये पूरा पैटर्न कंप्लीट करना है। इसको हम ये पूरे को कंप्लीट करके लेके आते हैं। अभी हमारे डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, थोड़ा लाइट और दिखाई दे रहा हमारा ये, लेकिन अब सिलेंगे भी हम इसको। सिलना स्टार्ट करते हैं, कॉर्नर से कॉर्नर सिलेंगे हम इसके। धागा मैंने निडल में डबल रखा हुआ है। इसके पॉइंट टू पॉइंट जाना हमें, इसकी नोट लगा लेते हैं हम। 2 टाइम हम इसकी नोट लगाएंगे। धागे को हमें कट नहीं करना है, कंटिन्यू रखना है। नेक्स्ट वाले पॉइंट उस पे जाना बॉक्स पे, फिर एक बार फिर से निकालना है। हमारी ये नोट लग जाती है ऐसे, और इसके नेक्स्ट वाले पॉइंट पे जाएंगे, फिर धागे को स्ट्रेच करके हमें ये नोट लगानी। इधर एक बार फिर से हम नोट लगाते हैं। 2 टाइम हमें नोट लगानी है। अभी नेक्स्ट वाले बॉक्स पे जाएंगे, इधर से निडल निकालेंगे, एक बार फिर से निकालेंगे, नोट लग जाएगी हमारी। फिर इसके नेक्स्ट वाले पॉइंट पे जाएंगे और धागे को अपनी तरफ स्ट्रेच करके नोट लगाने में 2 टाइम नोट लगाएंगे। यहाँ भी हम अभी इस तरह से हमें ये
पूरी लाइन कंप्लीट करके लेके आनी है। हमारी फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो गई है। कंप्लीट होने के बाद हमारे ये इस तरह से कुछ डिजाइन बनेगा। अभी इसको आगे बनाना स्टार्ट करते हैं। अभी इधर के फर्स्ट में डालेंगे इसमें, फिर इसके सेकंड वाले पॉइंट पे डालना है। धागे को अपनी तरफ स्ट्रेच करके हमें नॉट लगानी है। अभी नेक्स्ट वाले बॉक्स पे जाना है। धागे कट नहीं करना, हमें कंटिन्यू धागे को रखना है। फिर एक बार फिर से निकालेंगे, नॉट लग जाएगी। और इसके नेक्स्ट वाले पॉइंट पे जाएंगे ऐसे। अभी इधर में हम टू टाइम नॉट लगाएंगे इसकी। फिर नेक्स्ट वाले पे जाएंगे ऐसे ही। फिर ऐसे ही अभी फिर से टू टाइम नॉट लगा लेते हैं हम। अब इस तरह से हम ये पूरा कंप्लीट करके लेके आते हैं। सारा पैटर्न हम कंप्लीट करते हैं। हमारा पूरा पैटर्न कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद ये हमारा डिज़ाइन कुछ ये ऐसे दिखाई दे रही है, उल्टी साइड हमारा ये। आप इसको ऐसे देख सकते हैं, ये थोड़ा सा स्लैंटिंग में आया इस तरह से, लेकिन सिलने के बाद ये सही हो जाएगा। थोड़ा सा कट जाएगा ये साइड से। अभी इधर से हमारा ये डिज़ाइन बन के सामने आया। इसको हमें ऐसे फैलाना, थोड़ा थोड़ा सा फैलाएंगे तो हमारा डिज़ाइन अच्छे से सामने दिखाई देगा। अभी ये हमारा अच्छा सा डिज़ाइन बन गया है। थोड़ा सा स्लैंटिंग हो गया है ऊपर नीचे से, इधर से भी और ऊपर से भी। अभी हमें इस साइड में से जो क्लॉथ है इसको हमें नीडल से सिलना। आप चाहें तो मशीन से भी इसको सिलाई लगा सकते हैं। पहले इसको हमें ऐसे दोनों साइड से फोल्ड करना है। थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे, हल्का हल्का सा फोल्ड होगा, ज़्यादा फोल्ड नहीं होएगा ये। और इस पर रनिंग स्टिच लगानी है ऐसे ही करके। फिर नेक्स्ट वाले पे ऐसे ही करना है। थोड़ा थोड़ा दोनों साइड जैसे फोल्ड हो जाएगा ये हमारा। ये ज़्यादा फोल्ड नहीं होएगा, कम ही फोल्ड होएगा इसमें। ये इधर ये वाले को भी ऐसे ही फोल्ड करेंगे ऐसे करके। अभी इस तरह से हम इसके चारों साइड से ऐसे फोल्ड करके लेके आते हैं। सब पूरे को हम ये फोल्ड करेंगे और सिल के कंप्लीट करके लेके आते हैं इसको। हमने पूरा ये कंप्लीट कर दिया है, सारा हमारा ये सिल गया। सिलने के बाद ये डिज़ाइन ऐसा बन गया हमारा। अब इसकी लेंथ देखते हैं। इधर से 15 इंचेस की लेंथ बन गई है और इसकी 15 इंचेस की विड्थ। लेंथ और विड्थ इसके हमारी सेम बन गई है। हमने लिया था अलग अलग साइज़ का, लेकिन बनने के बाद सेम बच गया। अब इसका बैक पार्ट बनाएंगे। 15x15 का लिया हमने और इसके बीच से कट कर लिया हमने। हमने ये जिप ली है इसके लिए। अब जिप इसके ऊपर रखनी है और इसको सिलाई लगा के लेके आनी है। हमने सिल दिया एक साइड से, दूसरे वाले पार्ट को भी इस पर अटैच करना है। पहले हम इधर से निशान लगा लेते हैं इसके सामने सामने, ताकि ये इधर से स्टार्ट हो, इधर पे आके हमें ख़त्म करना है। इसको हम सिल के लाते हैं इधर से। इसको हमने सिल दिया है। सिल के ये हमारा बैक वाला पार्ट हो गया कंप्लीट। अब फ्रंट वाला पार्ट इसके ऊपर रखना है ऐसे करके। ये एक्स्ट्रा थोड़ा सा रहेगा, उसको हमें साइड से छोड़ देना। बाद में उसको हम कट करेंगे और इसको ऐसे रख के इसके चारों साइड में हमें सिलाई लगानी है। इधर से हम ये पूरे में ऐसे यहाँ से सिलाई लगा के लेके आते हैं इसकी। ये एक्स्ट्रा वाला कट हो जाएगा बाद में। अभी हमारी ये सिलाई लग गई है। सिलाई लगने के बाद ये थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा बचा हुआ इधर की साइड में, इसको हम ये कट कर लेते हैं। इधर वाले एक्स्ट्रा को भी कट कर लेंगे। जिप को भी हम ये जो एक्स्ट्रा वाली जिप है इसको भी कट कर लेते हैं। बड़ी जिप थी हमारी ये, अब इसको खोल लेते हैं। इस तरह से हमारा ये कवर बन गया है। आप ऐसे देख सकते हैं ये कवर हमारा बन के ऐसे रेडी हो गया है।
अभी हमने इसमें कुशन डाल दिया। कुशन डालने के बाद ये हमारा कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया। अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले, इससे आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। थैंक यू।